गत्सो गत्सो फ्लावर गल्प्स अप एनीथिंग। हमेशा की तरह नियॉन वुड्स के वासी एक खूबसूरत सुबह का आनंद ले रहे हैं। बेकरी में बने ताजा ब्रेड और पेस्ट्री की खुशबू चारों ओर फैली हुई है। आज का ब्रेकफास्ट में बहुत टेस्टी है। सबकी जिंदगी में ब्रेकफास्ट की अपनी एक खास जगह है। सेहतमंद बनने के लिए हमें डट कर खाना चाहिए। हाँ, क्या बात है, तुम आज कुछ ज्यादा ही खा रही हो। हाँ नियॉन सर, क्या करूँ, सुबह से ही पेट में चूहे दौड़ रहे थे। दोस्तों, क्या आप सब जानते हैं, ये ताज़ा खबर है गत्सु गत्सु फूल के बारे में। ये फूल दिखने में बड़ा ही खूबसूरत होता है, मगर सच ये है कि ये दुनिया का सबसे डरावना फूल है। क्या? गत्सु गत्सु फूल लोगों को टेस्टी खानों की खुशबू से अपनी ओर खींचता है। एक बार उनकी पकड़ में जो आ गया तो वो उसे निगल लेता है। इसलिए खबरदार, गत्सु गत्सु जंगल के पास भी मत फटकना। अगर मैं इस फूल के राज का पर्दाफाश कर दूं तो शायद मैं मशहूर हो जाऊंगा। बच्चों, आज हम सैर सपाटे के लिए पिको पिको जंगल में जा रहे हैं। लेकिन पिको पिको जंगल गत्सु गत्सु जंगल के बिल्कुल पास है, और गत्सु गत्सु जंगल के गत्सु गत्सु फूल खतरनाक होते हैं। हाँ, मगर गत्सु गत्सु फूल सिर्फ गत्सु गत्सु जंगल में ही होते हैं, इसलिए तुम्हें उस जंगल में कदम भी नहीं रखना चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम सब समझ गए ना? मैंने तो सोचा था उस गत्सु गत्सु फूल पर रिसर्च करूंगी, लेकिन कहीं उसने तुम्हें निगल लिया तो। नियॉन सर, मुझे फिक्र हो रही है, आप पूरी तरह सुरक्षित तो हैं? मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ। अगर वो धोखेबाज फूल मुझे खाने की कोशिश भी करे तो मुझे कुछ नहीं होगा। देखिए सर, दिशा दिखा रहा है, गत्सु गत्सु जंगल दाहिने हाथ पर है। ठीक है, दिशा मैं बताऊंगा। लेकिन गत्सु गत्सु जंगल उस तरफ नहीं है। अगर कोई दूसरा इस जंगल में आने की कोशिश करेगा तो पता है ये उसे गलत दिशा में ले जाएगा और वो इस जंगल में नहीं आ पाएगा। आपका जवाब नहीं है सर। हाँ, मैं ये फूल तोड़ लेता हूँ। अरे बुद्धू, ये फूल तो कैट टाउन में भी है। अगर हम यहाँ इतनी दूर आए हैं तो हमें कोई नई चीज ढूंढनी चाहिए नियागो। हाँ, तो कुछ और फूल ढूंढते हैं। गत्सु गत्सु फूल, आखिर कहाँ हो तुम कमबख्त? आप क्या कहना चाहते हैं, गत्सु गत्सु फूल बोलता है? अब ये मुझे क्या पता। ओ सत्यानाश हो उस गत्सु गत्सु फूल का, कहाँ हो तुम? बाहर निकलो, ओ बाहर निकलो। आ जाओ। ओ गत्सु गत्सु फूल, कहाँ हो तुम? मुझे बिरयानी की खुशबू आ रही है। कौन है? पर हम तो अभी अभी नाश्ता करके आए हैं नियॉन सर। आओ, मुझे लगता है यही है उस फूल की खुशबू। क्या कह रहे हैं? नहीं, ये खुशबू तो किसी फल जैसी है। मैंने कहा था ना, फल कहीं आसपास ही होगा, मुझसे रहा नहीं जाता, मुझे जोरों की भूख लगी है। नियॉन सर, रुक जाइए। मैं तो ये खाऊंगा। नियॉन सर, मत कहिए, रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। मैंने कहा था रुकने के लिए। ये पत्थर में कैसे बदल गया? सर, ये पहले से पत्थर ही था। आपको अचानक इतनी भूख लग गई कि ये पत्थर फल जैसा। यहाँ पर तो कोई भी फूल अलग नहीं दिख रहा। देखो, गत्सु गत्सु जंगल तो इस तरफ है। ये जो है पेको पेको जंगल है, और ये रास्ता गत्सु गत्सु जंगल की तरफ जाता है। गलती से उस जंगल में गए तो हम खतरे में पड़ सकते हैं। हाँ, ठीक कह रहे हो, ये खतरनाक है। मुझे भी भूख लगने लगी है, लेकिन सुबह तो मैंने भरपेट खाया था। अरे वाह, सामने भुट्टा है, मेरा पसंदीदा भुट्टा। या क्या बात है? ये तुम क्या कर रही हो? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा नियॉन सर कि ये भुट्टा है। क्या कहा, भुट्टा? ये तुम्हें भुट्टा नजर आया? यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है सर। मुझे तो यहाँ आकर बहुत ही अजीब लग रहा है दोस्तों। सच में, और इस जंगल के फूल भी देखो कितने अजीब है ना। ये पेको पेको जंगल है, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। मुझे भूख लग रही है। क्या तुमने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था? किया तो था, मगर
तुमने मुझे क्यों खींचा? ये सेब नहीं है नियंता, ये अरेरु पेड़ है जो छूने पर मुरझा जाता है। अरेरु पेड़? मैं तो ये खुशबू तो पक्की सेब की ही है। नियंता को इसकी खुशबू से भूख लगने लगी और उसे वहम होने लगा। अगर ये बात है तो जरूर कुछ गड़बड़ है। तुम कहना क्या चाहती हो? तो इसका मतलब है ये गत्सू गत्सू जंगल है। चलो फौरन यहाँ से भागे। हाँ चलो जल्दी निकलो। मत छुओ। ये क्या? खबरदार वहीं रुक जाओ, मैं तुम्हें अपने केक को नहीं छूने दूंगा। क्या कहा? केक? हाँ खुशबू तो बिल्कुल केक जैसी है। इसे मैं खाऊंगा। सर ये तो पत्थर है। आ, फिर से वही। नियंता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हाँ बिल्कुल, और माइक ने भी तो यही कहा था ना कि गत्सू गत्सू फूल टेस्टी खानों की खुशबू से लोगों को लुभाते हैं। तो इसका मतलब ये वाकई गत्सू गत्सू जंगल है। लेकिन हम तो निशान ध्यान से पढ़कर आए थे, गत्सू गत्सू जंगल तो दूसरी तरफ था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बोर्ड ही गलत था? किसी ने शरारत की है और उस बोर्ड का साइन उल्टी दिशा में कर दिया। अब हम क्या करें? गलती से हम गत्सू गत्सू जंगल के अंदर आकर फंस गए हैं। जैसा हमने सोचा था उसका उल्टा हो गया। आओ चुप रहो, हम वापस अपने जंगल में जाएंगे। रुकिए नियान सर। रुक जाओ नियान। वो उस तरफ चले गए, उम्मीद है उन्हें कुछ नहीं होगा। खबरदार यहाँ आए तो गच्चू गच्चू। ये लो, उन दोनों को बाहर निकालो। गच्चू 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 गच्चू। नियागो तुम कहाँ हो? नियागो नकापुश नियांडर कौन और नियोन बिल्कुल ठीक है ना? हाँ ये बिल्कुल ठीक है, फूल तुमसे सॉरी कहना चाहता है। तुम सबको डराने के लिए माफी चाहता हूँ गच्चू गच्चू। लेकिन तुम हम सबको डरा क्यों रहे थे? दरअसल मैं इस झील को बचाना चाहता था। क्या वही झील जहाँ पर मैंने अपना मुंह धोया था? वो छोटी झील इस जंगल का खजाना है। मैं तो उन लोगों को माफ नहीं करता जो इस झील को गंदा करते हैं। जब वो इस झील को गंदा करते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है गच्चू गच्चू। ओ तो इसीलिए तुम नहीं चाहते थे कि कोई भी यहाँ पर आए। क्या वो बातें झूठ है कि तुम लोगों को निगल जाते हो? हाँ मैं बस उन्हें निगलने का दिखावा करता हूँ। मैं सबसे कहूँगा कि वो जंगल और झील की देखभाल करे और उसमें कचरा ना फेंके, इसीलिए तुम लोगों को डराना बंद कर दो। नियंदर अब नहीं करूँगा। हाँ इस फूल के पीछे हमने अपना काफी वक्त बर्बाद किया। कौन? मैं आपके दुख को समझ सकती हूँ। नियनवुड जंगल में कोई न कोई अजीब बात होती रहती है, गच्चू गच्चू फूल उन्हीं में से एक है। हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए
नहीं तो कौन जाने कल कोई फूल सच में बुरे लोगों को खाने लग जाए। तो हम आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में और दो रोचक कहानियों के साथ। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।